हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेन केमिस्ट्री. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर 8 मार्क्स. ओके, सो लेट्स सी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेन केमिस्ट्री. साइंटिस्ट पॉल एंड अनास्टा देन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड जॉन सी वॉर्नर डेवलप 12 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेन केमिस्ट्री. साइंटिस्ट थे एक पॉल अनास्टा, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के एजेंसी, और जॉन सी वॉर्नर जो है उन्होंने 12 प्रिंसिपल बताए हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, विच हेल्प्स टू एक्सप्लेन द व्हाट इज द डेफिनेशन मीन्स इन प्रैक्टिस. मतलब उन्होंने वो जो 12 प्रिंसिपल बताए हैं तो ड्यूरिंग जो रिसर्च वर्क करते हैं तब हमें वो कैसे ध्यान में रखने हैं. ओके, वो हमें ये 12 प्रिंसिपल से पता चलता है. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इसमें पॉइंट्स कुछ दिए वो देख लो. द डिजाइन ऑफ प्रोसेस एंड मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ द रॉ मटेरियल दैट एंड अप इन द प्रोडक्ट. देखो, ऐसे डिजाइन करनी है प्रोसेस जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट एंड अप इन द प्रोडक्ट. क्या करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रॉ प्रोडक्ट, क्या करता है प्रोडक्ट को एंड करता है, फिनिश करता है. द यूज़ ऑफ सेफ एनवायरमेंटल बीनिंग सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग सॉल्वेंट व्हेनेवर पॉसिबल. और जो यूज़ करना है जो सॉल्वेंट है वो हमें कैसे यूज़ करना है, वो हमें सेफ यूज़ करना है. ओके, एनवायरमेंटल बीनिंग सब्सटेंसेस यूज़ करना है, सॉल्वेंट्स यूज़ करना है जहाँ हम मतलब कर सकते हैं वहाँ पे. द डिज़ाइन ऑफ एनर्जी इफिशियंस प्रोसेस. और ऐसी हमें एनर्जी इफिशियंस प्रोसेस डिज़ाइन करनी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो. द बेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल नॉट टू क्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, वेस्ट डिस्पोजल है वो जनरली क्रिएट ही ना हो, ये ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ द 12 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री कौन से है वो देखो. फर्स्ट है प्रिवेंशन, प्रिवेंट वेस्ट. सेकंड, मिनिमाइज एटम इफिशियंस इकोनॉमी. डिजाइनलेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. फोर्थ, दैट इज डिजाइन सेफर केमिकल प्रोडक्ट. फिफ्थ, यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट रिएक्शन कंडीशन. सिक्स, इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी. सेवन, यूज रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स. अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव. यूज कैटालिसिस कैटालिस्ट. 9, 10 है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. ओके, 11 है एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पोल्यूशन. 12 है मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर द एक्सीडेंट्स. ओके, दिस आर द 12 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री. सो लेट्स सी वन बाय वन. क्या है प्रिवेंट वेस्ट. ओके, सो द एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट टू डिजाइन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट. मतलब जो हजार्डस वेस्ट जो जनरली होता है तैयार ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विच आर प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्रीज. ओके, सो जो वेस्ट है वो जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट इन द इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन द पोल्यूशन प्रिवेंशन. वो हमें रिड्यूस करना है, तो वो यदि हम रिड्यूस कर सकेंगे तो हम पोल्यूशन जो है वो प्रिवेंट कर सकेंगे. बाय प्रिवेंटिंग वेस्ट जनरेशन वी मिनिमाइज द हजार्डस एसोसिएटेड विद द वेस्ट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट. यदि प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो फिर वो जो वेस्ट है तो उसके ऊपर कौन से हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे कर सकते हैं, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को क्या हानि ना पहुंचा है, ऐसे हमें प्रोसेस को क्या करना है डिराइव करना है. नाउ सेकंड वन, दैट इज मिनिमाइज द एटम इकोनॉमी. एटम इकोनॉमी मिनिमाइज कैसे होती है. एटम इकोनॉमी इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय बेरी ट्रोस्ट एंड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी दैट इवोल्यूट्स द इफिशियंसी ऑफ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. देखो, एटम इकोनॉमी जो है वो कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया है वो बेरी ट्रोस्ट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया है. उन्होंने क्या इवोल्यूट किया है कि इफिशियंसी ऑफ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सिमिलरली टू अ यील्ड कैलकुलेशन. और यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो. एटम इकोनॉमी इज द रेशियो ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटम इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट. जो एटम इकोनॉमी है वो क्या है, रेशियो है टोटल मास ऑफ द एटम इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटम इन द रिएक्टेंट का. ओके, ऑन वन वे टू मिनिमाइज द वेस्ट टू डिजाइन द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब ये जो डेफिनेशन बताई है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज द वेस्ट कर सकते हैं. जो वेस्ट निकलता है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं टू डिजाइन द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मिनिमाइजेस द इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ ऑल मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट. बराबर है, तो रिजल्टिंग इन अ फ्यू ऑफ एनी वेस्टेड एटम्स चूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट इनकॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट.
ठीक है। वैसे कुछ ना कुछ डिजाइन ये करके एटम इकोनॉमी इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल का डायरेक्ट काइम कन्वर्शन करना इनटू प्रोडक्ट में, और मोर इफिशियंट मिनिमाइजिंग द वेस्ट, और मोर इफिशियंटली प्रोडक्ट बनाना और जो वेस्ट है वो उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। नाउ थर्ड वन, दैट इज द डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। इसमें क्या आता है, डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन करते समय ऐसे आपको केमिकल रिएक्शन डिजाइन करनी पड़ेंगी जहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो हजार्डस केमिकल सिंथेसिस के जो वेस्ट है वो कैसे आएंगे, कम आएंगे, ऐसे आपको प्रोसेस डिजाइन करनी पड़ेगी। फोर्थ वन, दैट इज द डिजाइन सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट, डिजाइन सेफर। और इसमें क्या आता है कि ऐसे जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमें ऐसे केमिकल्स यूज करना है जिसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी कैसे रहे, सेफर रहे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द यूज सेफर सॉल्वेंट रिएक्शन कंडीशन। ऐसे हमें सॉल्वेंट और रिएक्शन कंडीशन यूज करनी है ड्यूरिंग द रिएक्शन जो इको फ्रेंडली हो और उसकी वजह से भी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ना तैयार हो, ठीक है। इंक्रीज द एनर्जी इफिशियंसी। देखो इंक्रीज द एनर्जी इफिशियंसी कैसे करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल प्रोसेसेस शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर देयर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड शुड बी मिनिमाइज इफ पॉसिबल सिंथेटिक प्यूरिफिकेशन मेथड। मतलब कुछ ना कुछ मेथड या टेम्परेचर प्रेशर ऐसे कुछ ना कुछ टूल्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एनर्जी इफिशियंसी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यूज रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। ये जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ पे हुए 6 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। थैंक यू।